टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक महिला की गला रेत कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति और उसके ससुराल वाले हैं। मामला दहेज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना गोंडा के नगर थाना अंतर्गत शिवा बख्तावर की है, जहां पुनीता देवी का विवाह 2012 में प्रशांत दुबे से हुआ था और हत्या उसका पति प्रशांत दुबे और अभिषेक दुबे और मधुबाला दुबे ने घर में धारदार हथियार से पुनीता दुबे की गला रेत कर हत्या कर दी है। इस पूरी घटना की जानकारी सीधे गोंडा से संवाददाता हामिद अली से फ़ोन पर लेते हैं। हामिद अली, बताइए क्या है ये पूरा मामला, कैसे हत्या हुई, ये क्या है पूरा मामला? ये आपको बता दें कि जनपद गोंडा के ये झंझरी ब्लॉक और ड्रीम पैलेस के सामने का मामला है। उसी पर पुनीता दुबे रहती थी और उसी के पति और उसी के देवर और देवरानी पे हत्या का आरोप लगाया है। ये किसी और ने नहीं लगाया है, ये जो महिला थी इसी के भाई ने लगाया है, शांतनु दुबे ने। क्या दहेज से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है? हाँ, इसको दहेज से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। ये आपस में पति पत्नी में कुछ अनबन रहती थी दहेज को लेकर, इसी के उसमें जो है हत्या इसकी कर दी गई धारदार हथियार से। तो पुलिस ने गिरफ्तारी की है क्या अभी तक? हाँ, तीन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिससे शैलेश कुमार पांडे ने सब कुछ बताया है और तीनों लोग को गिरफ्तार कर लिया है, माननीय न्यायालय भेज दिया है। और इसमें जो है आलोक राव भी मौके पर पहुंचे और सारी छानबीन करके हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और पुलिस ने भी घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले पति और हत्या में शामिल दो और आरोपियों को, यानी कि तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गोंडा SP शैलेश कुमार पांडे ने भी क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। तो क्या था प्रकरण, किस पर प्रथम दृष्टया संदेह है, किस तरह की जांच की जा रही है अभी? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में झजरी ब्लॉक किराए के पास एक विवाहिता की हत्या का मामला है। धारदार हथियार से हत्या की गई है। इसमें जो मृतका है उनके परिवारीजन आ गए, उनका कहना है कि इनके परिवारीजन द्वारा मतलब पति एवं परिवार पर भी प्रथम दृष्टि आरोप लगा रहे हैं। अभी लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूर्व से भी कई बार इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था और आज इनके परिवारजनों द्वारा हत्या कर दी गई है। पति को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा ले जाया गया है, डिटेल पूछताछ जारी है। कमरे की तलाशी लेने पर वहाँ से आला कतल जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। आगे की विधि कार्रवाई इसमें प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई। आला कतल में जैसे क्या था, किस चीज़ से हत्या की? धारदार हथियार, जैसे मैंने बताया धारदार हथियार बरामद।